नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंजर न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मोरानीपुर के ग्राम बम्होरी में सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने तथा जिन जिन बूथों पर विधानसभा में बहुमत नहीं मिल पाया उस क्षेत्र में जन प्रतिनिधि अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित कर जनता से रूबरू हो रहे तथा जनता के बीच सरकार की योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी दे रहे। इस मौके पर जय प्रकाश आर्य, राजू पायका, भागवत साहू, मयंक शर्मा, गज्जू पाठक, कैलाश नायक, चंद्रशेखर अड़जरिया, मोहन पुरवार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह परिहार। आपने ये किटकरी जोगी का जोगी क्या नहीं किया है आप? मैंने जोगी कौन हाँ हाँ किन मुद्दों से लेके आज ये चौपाल लगाई गई है? ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बूथ सशक्तिकरण अभियान। उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जिन जिन विधानसभा के बूथों में पीछे रही उनको छांटा गया और विधायक और सांसद जी के साथ संगठन के लोग एक एक बूथ पर ये सर्वे कर रहे हैं कि किन कारणों की वजह से हम हारे, चाहे 20 वोटों से हारे हों या 200 वोटों से, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ये प्रण व्यक्त करना चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा बूथों पर जीते। तो हम लोग कारण तलाशने आए केवल इसलिए इन बूथों पर क्यों हम हारे। बम्होरी का भाग संख्या 1 बूथ हम 30 वोटों से हारे, लेकिन 60,000 वोटों से विधानसभा जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि हमें एक भी बूथ हारना पड़े। इसी को प्रणबद्ध करते हुए आज की ये बैठक हो रही है। साथ में जनता से विधायक को जोड़ना, जनता से संगठन को जोड़ना, ये भी आज का ये कार्यक्रम है। ग्रामीणों ने जो आपसे शिकायत की है प्रधान की कि शौचालय नहीं खुलवा पा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? वो अभी तुरंत बात की है विधायक प्रतिनिधि ने ब्लॉक प्रमुख जी ब्लॉक वीडियो से, और वीडियो ने कहा कल ही हम चर्चा करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।